हाय फ्रेंड, हाय फ्रेंड। ओ मछली, वाह देख लीजिए। हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं यकीन करता हूँ आप लोग बहुत ठीक होंगे। तो गाइज आज मैं बताऊंगा डिंगी पर कितना लोग जा रहे हैं यार नदी में नाव पे, यानी कम से कम 4-5 तो लोग होगा। एक छोटा सा नाव है तो देख लीजिए, आज बताऊंगा नाव पे कितना आदमी जा रहा है। और गंगा में देख लीजिए नाव किस तरह चलता है, जो नहीं देखे होंगे उस लिए, और जो भाई देखे होंगे तो उनका तो कोई बात ही नहीं। तो चलिए बताता हूँ, देखिए गाइस नाव जा रहा है, कितना आदमी बैठा हुआ है देख लीजिए। तो गाइस आप लोग तो नाव देख लिए हैं किस तरह लोग बैठा हुआ है, तो वहाँ देखिए अभी नाव जा रहा है। तो फिर अब जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए यहाँ पे बीच सरह में, तो बताएंगे आगे का ब्लॉग में, बने रहिए। तो फाइनली गाइस हम लोग चल दिए हैं घूमने के लिए इधर सरह में। तो देख लीजिए, अभी हम लोग 3 आदमी थे, अभी 4-5 आदमी था, 2 आदमी चल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग 3 आदमी जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आपको दिखाएंगे आज नदी के तरफ, थोड़ा बहुत बड़ा रहता है, अभी तो पानी आया था, देखते हैं है कि नहीं, बहुत दिन के बाद उधर जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए दिखा रहे हैं आप लोगों को, अंत तक वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड जाते जाते नदी की तरफ यहाँ लौका है कि देख लीजिए मछली बज रहा है अभी नदी में, तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए मछली किस तरफ बज रहा है, तो बता रहे हैं आप लोगों को, रुकिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मछली बज रहा है और यहाँ पे एक बज भी गया है, देख लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए, और इसमें रखा है वो मछली, देख लीजिए। और मछली रखा गया, तो गाइस देख लिए हैं मछली किस तरह मरता है। जो मुहाते हैं उनके लिए तो मामूली बात नहीं है, जो नहीं मुहाते हैं उनके लिए मामूली बात है। तो देख लीजिए किस तरह मछली बचता है, लेकिन आज आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए कितना बड़ा सरे है, बाढ़ आया है तो सब धान रोपनी हुआ था, लेकिन अभी दह गया है, नदी पासी में है इसीलिए सब धान दह गया है। तो आप लोग को बता रहे हैं आज इसमें क्या क्या चल रहा है, जो फील्ड बाकी है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे बकरी चल रहा है और उधर बाकी सारा है, अभी बहुत है यहाँ पे, एक गन्ना में चल रहा है बकरी, 3 है, और उधर देखिए बहुत सारे लोग हैं बकरी चराते हुए। तो फैंस इतना बड़ा सरे में एक ही धान लौका है, वो भी हरा है, लग नहीं रहा है कि ये काटा जाएगा, लग रहा है काट कर माल जालों को खिलाया जाएगा, यानी गाय भैंस। तो इसलिए नहीं हुआ है कि नदी पासी में है और बाद में रोपा हुआ है, और उसके बाद जल्दी नहीं हुआ है, इसीलिए अभी ये हरा के हरा है, तो लग रहा है काट कर खिलाया जाएगा अभी तो, यानी सब अभी धान पक गया है तो अभी ये नहीं पका है, तो लग रहा है काट कर खिलाया जाएगा माल जाल को। तो गाइज हम 3 आदमी थे, अब क्लियर 5 आदमी हो गया है, और 2 आदमी जो भागा था वो वापस आ गया है घूमने के लिए। तो देख लीजिए 5 आदमी आए अभी, अब फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं उस रेता पे जो नदी का टील छुड़ा हुआ है, बड़ा सा है, चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फाइनली गाइज हम आ गए हैं इस रेता पे, तो देखिए, लेकिन अभी तो बड़ा टील नहीं है, अभी पानी आया हुआ है, हमको नहीं पता था इधर अभी इस वक्त तो बहुत बड़ा रेता बन जाता है, देखिए अभी बन रहा है इधर देख लीजिए, तो हमको लगा कि बन गया होगा, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा है, देख लीजिए, देखिए पहले कितना बड़ा है ये टील, तो आधा लग रहा है, आधा पानी लग रहा है वहां तक चल जाता है, लेकिन अभी नहीं गया है, लग रहा है अभी पानी घटेगा तब जाएगा। तो देखिए हम लोग अभी घूम रहे हैं, और एक वहां पे है, और 3 यहाँ पे है, और एक मैं 5, तो देख लीजिए। तो देखिए हम पानी में अभी घूम रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे अभी तिल उगता है, लेकिन अभी उगा नहीं है, अभी पानी आया हुआ है, लेकिन अभी हम पानी में घूम रहे हैं। तो चलिए मैं अपने फैन से हाय बोलवा देता हूँ, उसके बाद ब्लॉग को अंत करेंगे। हाय फ्रेंड, हाय फ्रेंड। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो गाइस जो भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, और लाइक भी कर दे, और शेयर भी कर दे, और कमेंट भी कर दे। तो चलिए ब्लॉग को अंत करते हैं, तो टट्टा बाय बाय।